व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वॉचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं कीप स्माइलिंग एपिसोड 08, फनी मीम्स, टैंक इन योर मीम्स एंड ट्रेंडिंग मीम्स। ऑब्वियसली ये सब तो लिखना ही होता है, तो देखते हैं आज के उसमें क्या है। ठग लाइफ कंटिन्यूस है, तो स्टार्टिंग हमेशा एक रील से होती है इनकी। देखेंगे इनकी वीडियोस में ये होता है कि मीम्स और रील्स दोनों होती हैं, तो टू इन वन सीन हो जाता है। फिर भी अगर आपको किसी स्पेसिफिक क्रिएटर के रील्स पे रिएक्शन चाहिए, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। कोई मीम्स चाहिए वो बताइएगा, या कोई और वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे टाइमली लेकर आएँ। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा दो। 3, 2, 1 नेम। देख भाई, तेरे लिए क्या ढूंढ कर लाया, दिखा। टीशन था बॉस, मतलब था बेंच पालने की जरूरत नहीं, बोलेंगे भी नहीं। यू वो दैट फोन बाद में मत करना। हाँ जी, बस ये मोमेंट रिक्रिएट करा दे। चल पड़ेगी मुझे लगता है। गया फोन, गुड बाय टाटा। अच्छा था 5 महीने में है? ये तो हमने सोचा ही नहीं। राइट नाउ तृप्ति के साथ मजे हो रही। Around Indian education system. अब ऐसे ऐसे ही बात है यार, डिग्री वालों का सही मजाक उड़ा रखा है इस बंदे ने, मौज मार रहे। One shot, please. 8 seconds, sir. क्या फायदा इतने अमीर होने का? यार ये शाहरुख की बात कर रहे हो अगले दिन। अरे रोहित पाजी, ये क्या कर रहे हो? ब्लूटूथ का जमाना याद करा दिया। ये रणवीर सिंह नहीं? इतनी देर से मैं पूछ रही हूँ कि रिचार्ज बढ़ गया है कि रिचार्ज कराओगे? रिचार्ज कराएंगे, अब रील्स फिर देखने में दिक्कत हो जाएगा। रील्स थोड़ा देखते हैं, रील्स तो जरूरी है, जेब खाली हो जाए रील्स जरूरी है। रील्स नहीं रुकनी चाहिए, हमारा खुद का भी यही हाल है।
जो कहीं नहीं मिलते वो अंबानी के पास मिल जाते हैं। यार रजनीकांत को नहीं बुलाया, सारे स्टार आए, रजनीकांत कहाँ था? बाबा जी को चाहिए। खड़ा हूँ वही, ये क्या क्यों रुक गई गाड़ी? चलवा है और कुछ नहीं, चलवा है। लाइव चलवा है, बेचने वाला है। दिल तू जा तू दर्द दी दवा, और कुछ होना लाइफ में एक बंदी जरूर होनी चाहिए प्यार करने। ओके जी, तो ये थे कीप स्माइलिंग, और वाकई हमने स्माइल किया। और लास्ट वाला जो मीम था वो एक मैसेज है कि भाई देखो, लाइफ में और कुछ होना हो, पैसा होना हो, गाड़ी होना हो, बंगला होना हो, अगर आपके पास एक अच्छी बेगम है तो आपके पास सब कुछ है, लिख लो, ज्ञान बांट रहा हूँ। उसके बाद पीएम मोदी जो थे वो उनका क्लिप था, और मैंने फिर पीछे गौर किया, वो जो गा रही थी ये पता नहीं क्या था, लेकिन लाइव था भाई। खर्चा तो बहुत किए इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन फिर वही बात है कि लिखा हुआ था सबको बुला लिया है पावर हाउस, बट एक तो रह गए ना, रजनीकांत रह गए। रजनीकांत नहीं थे, जूनियर एनटीआर नहीं थे, तलपति विजय नहीं थे, मतलब प्रभास नहीं था, सुपरस्टार है भाई, बोलो वो क्यों नहीं बुलाए, सोचने वाली बात है वैसे। अच्छा जी, उसके बाद पूरा वीडियो में बहुत हद तक अंबानी का सीन था इसमें, लेकिन मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, मिलेंगे, अपना ख्याल रखना, सी।